साल 2012 में दिल्ली में चलती बस में अंजाम दिए गए निर्भया गैंगरेप कांड में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने चार में से तीन आरोपियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में कानूनी गलती की बुनियाद पर ही रिव्यू मुमकिन होता है। एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा फैसले का मतलब हुआ कि अब निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। अब दोषी मुकेश बिनय, पवन और अक्षय के पास फांसी से बचने के लिए राष्ट्रपति से माफी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के दौरान निर्भया के माता पिता और वकील भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। आप तो बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बलात्कार के दौरान की गई क्रूरता से बुरी तरह घायल हुई पीड़िता की बाद में मौत हो गई थी।